कैडेट्स, हम लास्ट टर्म पे देख रहे थे इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क, उसकी मेथड्स, किस प्रकार टारगेटों की पहचान और बयान किए जाते हैं, भिन्न भिन्न कौन से तरीके हैं। इनमें से आखिरी तरीका हम देख रहे थे डिग्री मेथड, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर को आज यहाँ खत्म करेंगे। डिग्री मेथड हम यूज करते हैं क्लॉक रे मेथड के साथ, इन कंजंक्शन विद क्लॉक रे मेथड। तो जब टारगेट बहुत ही कठिन हो, क्लॉक रे से भी आप किसी लैंडमार्क तक ही अचीव कर सकते हैं, और टारगेट बहुत ही छुपा हुआ हो, कंसील्ड हो, और बिल्कुल क्लैरिटी से बताना जरूरी हो ताकि कोई शक न रहे, तब डिग्री मेथड को क्लॉक रे मेथड के साथ एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब एक ही प्रकार के कई लैंडमार्क आपको आसपास नजर आए, उनमें से किसी एक को भिन्न रूप से बता दें। डिग्री नापने के लिए हम कैसे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइनोकुलर्स या हैंड डिग्रीज या वेपन साइट की मदद से डिग्रीज नापी जाती हैं और उन्हीं का प्रयोग करके डिग्री बताई जाती है। हैंड से यूज करने के लिए किस प्रकार करते हैं, लेफ्ट हैंड यूज किया जाता है क्योंकि राइट हैंड में सोल्जर के वेपन होता है, तो वेपन को रखते हुए लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं और उससे डिग्री रखते हैं। तो खुली हथेली स्वाभाविक रूप से, खुला हाथ स्वाभाविक रूप से, और लेफ्ट जो अंगूठा है हाथ का और आखिरी उंगली तक के बीच 19 डिग्री, अंगूठे को छोड़ दें तो चार उंगलियों के बीच 12 डिग्री, 8 डिग्री होता है अगर फिस्ट बना लें तो, फिस्ट बना लें तो दोनों नकल जो दूर के हैं उनके बीच 8 डिग्री, पहले दो बड़े नकल के बीच में 3 डिग्री, एक सिंगल फिंगर है वो 1 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एजिस का प्रयोग करते हुए डिग्रीज में कितना अंतर आ रहा है किसी दिशा में, उसका उसको बताया जाता है। इसी प्रकार बाइनोकुलर्स की सहायता से भी हम डिग्रीज बता सकते हैं। बाइनोकुलर्स की सहायता से डिग्री बताने के लिए क्या करते हैं, बाइनोकुलर एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंसेज होते हैं जिसमें जिससे फोकस कर सकते हैं, और इसमें अंदर इस तरह से ग्रेजुएशंस बनी होती है, सेंटर लाइन है बड़ी, और उस बड़ी सेंटर लाइन से आधे आधे डिग्री के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ये मार्केशन किए गए, हाफ डिग्री फिर हाफ डिग्री फिर हाफ डिग्री, इनका प्रयोग करके डिग्रीज का भी डिग्रीज बताई जा सकती है। तीसरा तरीका है जो वेपन है उसकी फोर साइड और बैक साइड को प्रयोग, यदि बैक साइड को प्रयोग करें विद इन द इनर एजेस ऑफ बैक साइड, जो बैक साइड के अंदर दो बड़े बाहर वाले एज है, प्रोटेक्टर जो बैक साइड का है उसके अंदर के एजेस के बीच 6 डिग्री का डिफरेंस होता है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल जो बैक साइड का है पीछे जिसमें यू कट बना होता है वो 3 डिग्री के डिफरेंस होता है। फोर साइड में विद इन द इनर एज ऑफ फोर साइड प्रोटेक्टर के जो इनर एज है उनके बीच में 1 डिग्री डिफरेंस, और जो बेड है जिसके ऊपर टिप बनी होती है फोर साइड उस बेड का हाफ डिग्री होता है, और ब्लेड हाफ डिग्री बेसिकली होता है फोर साइड, तो इसका प्रयोग करके भी डिग्रीज बताई जा सकती है। नेक्स्ट है डिग्री मेथड में ही, जब डिग्री मेथड का प्रयोग करके किस प्रकार टारगेट का बयान किया जाएगा, एक उदाहरण रुक रुक के बोला जाएगा, ग्रेड का प्रयोग किया जाएगा, वही जो आपको पहले बताया था, तो सुने इसको। नंबर एक सेक्शन पॉज किया, एक ग्रुप को एड्रेस किया, फिर रेंज बतानी है 500, फिर एड नंबर 1, ये से रेफरेंस पॉइंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सफेद मकान, सफेद मकान से रेफरेंस पॉइंट था ये, एक्चुअल टारगेट नहीं है, फिर सफेद मकान दोबारा बोलेंगे दाहिने, अब क्लॉक यूज की है, प्रिलिमिनरी डायरेक्शन दाहिने बता दी, 4 बजे, 4 बजे झाड़ का झुंड, अब झुंड झुंड के दाहिने, अब ये यहां पर डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, झुंड के दाहिने डिफरेंस 8 4 3 डिग्री, एक अकेला पेड़ का ठूं, ये डिस्क्रिप्शन कर दिया, और लास्ट में नाम पेड़ का ठूं। इसी कमांड को फिर से सुने, नंबर एक सेक्शन 500, सफेद मकान दाहिने,
चार बजे झाड़ का झुंड दहने 3 डिग्री, एक अकेला पेड़ का ठूं। अब ये एक्चुअल टारगेट है, नाम पेड़ का ठूं। इस तरह से डिग्री मेथड का प्रयोग करके बता दें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स के बारे में। इंडिकेशन ब्रीफ, छोटा, सरल हो, साफ शब्दों में दिया जाए, टारगेट का बयान किया जाए वो छोटा, कम शब्दों में, साफ शब्दों में और सरल शब्दों में, साफ आवाज जिसे कह सकते हैं, साफ रूप से सुना जाए, इसमें किसी को भ्रम ना, इस प्रकार होना चाहिए। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स इफ रिक्वायर्ड, जैसे अभी हमने इस्तेमाल की क्लॉक रे मेथड के साथ डिग्री मेथड, अगर जितना कॉम्प्लिकेटेड टारगेट होगा, जितना कठिन टारगेट होगा, तो कई मेथड्स का प्रयोग क्रमवार जिस प्रकार सिखाया गया है उस तरह किया जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन, जो आम रुख है उससे ही डायरेक्शन बताई जाती है, थोड़ा दाहिने थोड़ा बाएं जो कहा जाएगा उसका मतलब आम रुख से थोड़ा दाहिने, आम रुख से थोड़ा बाएं वही रखा जाए। तो जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन हमेशा ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन लेफ्ट टू राइट, जो इंडिकेशन किए जाए बाएं से चले दाहिने की ओर। जब रेफरेंस पॉइंट्स मदद के निशानों का प्रयोग करेंगे तो पहले बाएं का मदद का निशान लेंगे, उसके दाहिने चलेंगे, फिर उसके दाहिने चलेंगे, इस क्रम को बरकरार रखने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे क्रमवार सीखे हुए जवान ढंग से समझ सके। डू नॉट चेंज नेम्स, जिस रेफरेंस पॉइंट का नाम आपने पहले मुकर्रर कर लिया कि क्या कहेंगे, बयान करते समय उसका कोई नया नाम नहीं रखा जाएगा। तो जो बात पहले तय है, तयशुदा है कि ये हमारे चार रेफरेंस पॉइंट होंगे, मदद के निशान होंगे, उनके जो भी नाम पहले रख दिए हैं उन्हीं नामों का प्रयोग किया जाएगा। लैंडमार्क्स विच आर नॉट विजिबल बाय गिवन बी गिवन इन द एंड, जो दिख नहीं रहा है लैंडमार्क, जो जिसको ढूंढा जा रहा है, जो विजिबल नहीं है क्लियरली, उसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल किया जाए, बताया जाए, उसको पहले नहीं बताने की कोशिश की जाए। इंडिकेट ओनली दोज लैंडमार्क्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर्स, तो जब टारगेटों का बयान करेंगे तो जब कई मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे तो उन मेथड का ही प्रयोग करें जिनको वास्तव में जिनकी आवश्यकता है, अनावश्यक अपनी जानकारी बताने के लिए लंबा नहीं करना है उसे, पर कोई सीधे बताया जा सकता है, कम शब्दों में बताया जा सकता है और एक सिंपल तरीके से कोई बात बताई जा सकती है, तो उसको कठिन तरीके से ना बताया जाए। लेकिन शक होने की दशा में कि जब डाउट हो, जब ऐसा लग रहा हो कि जवान टारगेट को सही से पहचान नहीं पाया है, तो उसको भिन्न भिन्न तरीकों से उसी टारगेट पर बताकर इंश्योर किया जा सकता है कि क्या वो टारगेट समझ गया या नहीं, या जवान को भी कहा जा सकता है कि वो इस टारगेट का बयान अपने शब्दों में करे, जिससे बात पता चल जाए कि जो टारगेट इसे समझाया गया, जो जिसका बयान इसे किया गया, वो इसकी समझ में आ गया या नहीं आया। कंक्लूजन क्या है इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स का, टू अचीव सक्सेस इन वॉर, युद्ध में यदि सफलता चाहते हैं, इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य बात है ये कि टारगेट सही से पहचाने जाएं, उनका बयान सही से हो और सब जवानों को सिंगल टारगेट जिसका बयान किया जा रहा है बिना किसी शक के वो समझ में आ जाए। इट इज नो यूज मेयरली रीचिंग कैप्चरिंग टारगेट, किसी टारगेट को सिर्फ पहुंच जाना या उस कैप्चर कर लेना ही सही नहीं है। टारगेट नॉट इंटेंडेड एज दिस मे एंडेंजर द ओवरऑल ऑपरेशन प्लान, अगर आपका बहुत बड़ा प्लान है कोई, तो आपको ये जो इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क की गतिविधि है, जो ट्रेनिंग है, इसको अच्छे से आना चाहिए, जिससे टाइम की बचत होती है, एफर्ट की बचत होती है, कॉस्ट की बचत होती है और अपना नुकसान कम से कम होता है। कंक्लूजन ये है, ये सबको आना चाहिए। अब इस ये टॉपिक यही समाप्त होता है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो हमारा होगा फायर कंट्रोल